मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहाँ एक यात्री बस ने 3 साल के बच्चे और उसकी बुआ को कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक भाग निकला। हादसा वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इधर विदिशा में भी बस की टक्कर से पिता पुत्र की मौत हो गई। नरसिंहपुर के करेली में शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे उमाबाई नाम की महिला अपने भतीजे सोनम को स्कूल छोड़कर घर लौट रही थी। उनके साथ सोनम का छोटा भाई सागर भी था। दोनों पैदल ओवरब्रिज के पास एक दुकान के सामने खड़े थे, तभी नरसिंहपुर से सागर की ओर जा रही यात्री बस ने बुआ भतीजे को कुचल दिया। बस दोनों को टक्कर मारते हुए उनके ऊपर से गुजर गई। हादसे के बाद पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है, लेकिन ड्राइवर भागने में कामयाब हो गया है। घटना स्थल पर मौजूद दीपक शर्मा ने बताया कि सुबह वह बाजार से घर की ओर लौट रही थी। उमाबाई अपने भतीजे सोनम को स्कूल वैन में छोड़ने के लिए ओवरब्रिज तक आई हुई थी, तभी वहां से गुजर रही एक बस ने उन्हें टक्कर मार दी। बस उमाबाई और सागर को रौंदते हुए तेजी से निकल गई। एक्सीडेंट होते ही हम लोग दोनों को बचाने दौड़े। बच्चे की सांस नहीं चल रही थी, उमाबाई बुरी तरह से घायल थी। हमने पुलिस को सूचना दी और दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर ने बुआ भतीजे को मृत घोषित कर दिया। जांच अधिकारी हरिओम मानकर ने बताया कि महेंद्र वार्ड निवासी उमाबाई पति बाबूलाल विश्वकर्मा और 3 साल के सागर विश्वकर्मा की मौत हुई है। हादसे के बाद मौके पर भीड़ लग गई। लोग दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करेली लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी तेजी से हुआ था कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उमाबाई की सांसें चल रही थी। उसने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। संभवतः लड़का है मौके पर खत्म हो गया था, लेकिन इलाज दौरान जो महिला है उमाबाई है वो खत्म हो गई। दोनों को हमने मर कायम करके जांच में लिया है।